वंदे मातरम। ये स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में भाई राजीव दीक्षित जी के आशीर्वाद से नेत्र रोग नाशक नामक दवा बनाई। उस दवा का प्रयोग अभी कुछ भाइयों को दिया गया। ये हमारी धर्मपत्नी है, उनकी आंखों में बिंदर जी और ये भैया आए हुए हैं, तो ये अभी एक एक बूंद डाली है। क्या अनुभव रहता है अभी कुछ देर बाद देखते हैं। ये तो रुलाने वाली दवाई है भाई, जल तो आते हैं, तेज मत बनाया करो, थोड़ी सी चीनी डाल दो, गुड़ डाल दो, शक्कर डाल दो, हाँ शहद डाली है, शहद डाली है। हाँ गुलाब जल है, गंगा जल है, फिटकेरी है, अमृत धारा है और शहद है। आप देख रहे हो पहचान नहीं हो रहा अरे क्या? भी नहीं रोई थी। अरे कुत्ते बाबा मेरे पति देव ने मुझे मारा, अरे कोई रिपोर्ट लिखो। एक बार और थूक दवा। आपकी आंखें खुल गई, कैसा लग रहा है? बंदे मातरम, हाँ जी देखो आपके जो सारे कई चीज मैं टेस्ट कर चुका हूँ, लेकिन सारी बढ़िया है। ये आग की दवाई तो मैंने बाबा रामदेव भी डाल अभी दी, ठंडा लग रहा भारत है। सिंह भी डाल दी, लेकिन इसका जो जायका है ना, वो मजा ही, उसका मजा ही कुछ और है। नहीं एक बार तो लगती है, हाँ लेकिन बाद में इसका कुछ जो फायदा है वो अब आंखों में पता लगेगा। सही लग रही है। मैंने जो मेरी लाइट चमकती थी ना, अब नहीं चमक रही है। हाँ जी भैया, आप बताएं आपको कैसा लगा? मैं साहब अभी थोड़ा पूरा साफ नहीं हुआ, लेकिन दिखाई पड़ता है अच्छा। ये नीचे वाला, अगर नीचे वाला ये जो बारीक था हाँ, वो पहले दिखाई नहीं दे रहा था, अब दिखाई दे रहा है। तो ये पहले मेरे को ना, पहले मुझे बहुत कम दिखाई दे रहा था ये, लेकिन अब मुझे साफ दिखाई दे रहा है। थोड़ा पानी आ रहा है ना, इसकी वजह से थोड़ी दिक्कत सी हो रही है, नहीं तो बहुत ये बढ़िया मतलब है। दिख रहा है कि हाँ मुझे साफ, मतलब हाँ एक खुराक में ही साफ हो रहा है। हाँ नहीं, मेरे को लाइट पे चमक आंख में आती थी और ये देखने में। सबको डालना कई बार चाहिए। मैंने बोला था इनको कि मुझे भी दवाई दो, पर आज चमक नहीं आ रही। अब रोया विदाई में नहीं रोई, पर आज मुझे रुला दिया इन्होंने। चलिए, ये राजीव भाई की कृपा है और आप लोगों का आशीर्वाद है कि सच में नेत्र रोग नाशक भी तैयार हो गया है। कौन सा? चाइना सा चाइना सा गए ये पहले मैजिक वायर। हाँ वो ये मैं जब भी आता हूँ तो 5-7 में लेके चले जाता हूँ। जी, जिसको अगर शिफा तो उसको भी दे देता हूँ, और शिफा देता हूँ, और आपका वो क्या कहते अमृत धारा होता है। ये इधर और ये अमृत धारा में लेके चला जाता हूँ, इसको मैं देता हूँ लोगों को। मोहन भाई देते हैं, मैं आगे सप्लाई कर देता हूँ, वो इसका फायदा है। नहीं अभी इसका डालने से सही में, कई बार बाकी में हकीकत में 99% मुझे आराम मिल गया। लाइट पे मैं रोज बोलती थी चमकता कई बार, है मेरे चमकता, मोबाइल भी मैं नहीं देखती। मैं गोविंद भाई से जुड़ा था, मैं कहता हूँ 1-1.5 साल हो गया। हाँ जी हाँ जी, 1-1.5 साल पहले मेरे को जुकाम बहुत रहता था, सिर दर्द हमेशा ही सिर दर्द रहता था, लेकिन अब तो मैं एक दिन मैं कहीं जा रहा था तो भी मेरे जहाँ भी जाता हूँ मैं साथ लेके चलता हूँ इसको। मैं हमेशा ही सफर में जाऊंगा, कहीं भी जाऊंगा तो मिलेगा। तो ये रखिए, किसी को कोई मैं साथ रखता हूँ। तो इससे क्या जी भाई, समाज सेवा जैसे भाई राजीव दीक्षित जी करते थे, वो भी कोई जैसे भाई गोविंद जी कर रहे हैं, तो नुकसान क्या है? थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के लिए जलन होती है, फिर बाद में अच्छा लग रहा है।
आंखों में ठंडक भी लग रही है। अभी दो हमारे पास और खिलाड़ी आए हुए हैं, इन दोनों की बारी है। एक पे तो चश्मा लगा हुआ है, इनका तो प्रैक्टिकल करते हैं चश्मे का। पहले आप चश्मा उतार के देखिए आपको क्या क्या देखने में आ रहा है, क्या क्या दिक्कत आ रही है, ये आप पहले बताइए। यहाँ बैठ के कहाँ दिख रहा है, हाँ पहले देखिए फिर देखते हैं, क्योंकि आप लोगों के साथ से ही हम आगे समाज को कुछ दे पाएंगे। अच्छा, मोटे वाले जो रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम हाउस दाले लिखा हुआ है, ये धुंधला है, धुंधला दिख रहा है, पढ़ा जा रहा है, और ये क्रांति लिखा हुआ है, हाँ पढ़ा जा रहा है, धुंधला है, ठीक है। बाकी ये छोटा जो ये बारीक लिखा है ये तो बिल्कुल पढ़ा नहीं जाएगा। अच्छा ठीक है, अभी देखते हैं कि नेत्र मैं ना जो व्हाट्सएप डालता हूँ ना आपकी, हाँ? मेरी फोटो नहीं है। अच्छा अच्छा, एक फोटो खींच देते हैं। नेत्र रोग नाशक अभी भैया को डालते हैं और इनका भी अनुभव लेते हैं। भैया बताइए आपको नेत्र, ये जो आंखों में दवाई डाली उसके बाद क्या लग रहा है? जो आंखों में थोड़ी सी जलन लग रही है, अभी पूरी आंखें खुल नहीं रही है। हाँ हाँ, खुलेंगी तो फिर मैं देखता हूँ। थोड़ा देखिए, खुल तो गई है थोड़ा सा, अभी तो नहीं दिख रहा मुझे क्योंकि अभी आंखें पूरी खुली नहीं। अच्छा, बार बार आंखें बंद हो रही है। आपके क्या हाल है? पहले से ज्यादा साफ है थोड़ा सा। अच्छा साफ है पहले से, क्योंकि वो तो दिख रहा है, ये दिख नहीं रहा था पहले, और हल्का बहुत साफ दिखने लग गया। अच्छा, नीचे वाला ये नहीं दिख रहा था, काला कलर है ना नीचे। हाँ, तो अभी पहले ज्यादा धुंधला था, हाँ अब थोड़ा साफ हो गया। ठीक है भैया जी, एक चीज मैं तो इतने आपसे निवेदन है, इसको हल्की मत करना। अगर लोग कहे ना दो तरह की बढ़ा दो, जो हल्की मांग तो हल्की लगेगी, इससे हल्की मत करना बस। जी जी, एक बार तो लगेगी लेकिन फिर आदत पड़ जाती है, फिर आदत पड़ जाती है बंदे को। बहुत सारे कहते हैं बहुत हल्की लेकिन इससे हल्की कम काम करेगी, लेकिन इससे जल्दी काम करेगी। हाँ, इसको हमने रखा है नेत्र रोग नाशक, मतलब ये मोतियाबिंद पे जो है ना सबसे ज्यादा, मैं इसका मोतियाबिंद का ही लेके मोतियाबिंद चश्मे उतारने के हिसाब से जो है वो, और जिनको नजला जुकाम आंखों की वजह से होता है, जाली फंसती रहती है, उसकी वजह से भी इसको बनाया है। मैं इस पे नहीं ताक पाती थी। किस पे? बल्ब ताकते थे हम, बोलते थे ना कि चमकता है, मेरी मोबाइल भी नहीं देख पाती हूँ मैं जल्दी। छोड़ दिया एक साल से चलाना, जैसी मोबाइल चलाती हूँ ना चमकने लगता है, थोड़ा बहुत देखो भी आज नहीं चलाती हूँ। देखो बल्ब तक यही वाली दवाई डालना मेरे को, और साथ कोई कहेगा ना कि इनकी पत्नी है ना इसीलिए झूठ बोल रही है, ये झूठ नहीं है, खुद आजमा के देख ली एक बार आके। वो तो खुद ही नहीं, ऐसा कभी हो कि कहेगा कि मतलब अपने आप को पसंद। देखो एक डेढ़ साल से ही जुड़े लेकिन हम जो भी लेके गए ना आज तक, मैं कोई भाई ने फायदा थोड़ा ना, प्रसाद के तौर पर देते हैं, हम आगे देते। लेकिन एक बार की बात है, मैं बाजार से गुजर रहा ये जो है, हाँ उधर सुधी वाला जो हटा दिया क्या उसमें नहीं है चर्बी ना सकता वो है। मैं बाजार से मिला, दोनों एक ही जगह मिला दिया तो एक लड़का सिर्फ हाथ लगा ही बैठा जानने वाला था, मगर क्या हो गया बोला अंदर ही सिंगल दर्द हो रहा है। मैं कहा भाई मैं कहा एक सेकंड में ठीक कर दूँ, मैं टेबलेट तो मेरे पास है नहीं। बोला जी चाय की दुकान पे जाऊंगा। मैं कुछ नहीं करना, पांच मिनट बैठ मैं घर जाता हूँ और घर से ले जाता हूँ। तो अपना ये मैजिक ऑयल, मैजिक ऑयल मैं उसको मैजिक ऑयल ले आया जो आपसे खाली शीशी ले गया था ना। हाँ। खाली शीशी मैंने उसको दे दी। अब एक मैं कहूँगा तो कैसे, तो उसको मैंने उसको दी थी। मैं कहा तू एक काम कर, हिम्मत सी करके एक नाक बंद कर, एक नाक से खींच ले। इसने खींचा मतलब जैसे करंट सा लगता है। हाँ फिर बोला मैं कोई बात नहीं बेटा, तो एक बार खींच, दूसरी बार खींचा, मैंने दो दो बार खींचवा दिया इससे। अरे मैं कहा देख दो मिनट बाद कहता है आराम हो। तो मैं कहा एक काम कर, तेरी सेंटर में दुकान है, इसको तू यहीं रख ले अपने। हाँ। वो बिजली का वो था उसके ऊपर, मैं कहा यहाँ रख दे। हाँ। किसी को भी होगा ना तेरे पास भेज दूंगा। हाँ। ऐसे एक मुलाई थे, उनके लड़के भी एक दिन ऐसी बोला क्या हो गया, बोला मेरे सिर में दर्द हो रहा है। मैं कहा जा उसी दुकान पे जब मेरा नाम ले दी। मैं कहा मैं यहीं खड़ा हूँ देख क्या तू देता रहे, ठीक हो गया। तो कई मतलब मैंने कई जगह रखे हुए। जी जी, तो उसका क्या भाई किसी को ले लो भाई, क्या दिक्कत आ रही है, हमारा क्या जा रहा है, कोई भाई देने वाले है राजीव भाई दीक्षित की तू आशीर्वाद है। भाई ये आइटम ठीक नहीं है, वो जो दूसरी दवाई डाली थी ना मैंने, आओ तो उससे ये नजदीक का मेरे को दिखने लगा है। आओ
जलंधर वाला जलंधर वाला पहले दिन ही दिख गया था मुझे। हाँ वो तो पहले दिन ही दिख गया, वो तो मेरे को पहले दिन ही, मैंने नजदीक का तो गया था, उसने रखा ही नहीं आज तक नजदीक का चश्मा, नजदीक का चश्मा ही नहीं रखे आपने। दूर का उन्होंने मना करके पहनने के लिए, पहनो मत, इसलिए पहनता नहीं हूँ, ज्यादा जरूरत पड़े। पहली बात तो वैसे नजदीक का दिख जाता है, अगर ज्यादा होता तो ये दूर वाला ही पिछले पहनता हूँ, चमक जाता है नजदीक अक्षर उसी से ही, वो साफ दिखता है जब पहनता हूँ कभी कभार, नहीं तो नहीं पहनता। अब ये ये पढ़ने के लिए उड़ की डली है ये। अब आंखें खुल गई आराम से, पूरी खुल गई आंखें, खुल गई तो खुल गई, लेकिन वो भी अभी भी, अभी भी नहीं, वो जो ऊपर देखी वो धुंधला अभी भी है या कुछ, मतलब 19-21 कह सकता हूँ। अच्छा, ज्यादा बहुत तो ये हमारा प्रयास है, अभी देखते हैं कितने लोगों को क्या असर करता है, इसलिए मैंने कहा कि भाई पहले मैं सबको करूंगा फिर ही बताऊंगा, वो करेंगे। हाँ ये है कि इसमें जो चीजें डाली हुई है नुकसान वाली नहीं है, ठीक है जी। वैसे भी आंखों की सफाई, हाँ आंखों की सफाई हो गई, सफाई है कि आंखें जैसे अब खुल रही हैं, हाँ पहले बंद बंद सी लग रही थी, अब वो खुल रही हैं, अगर एक दो बार डालूंगा तो हो सकता है और सेट हो जाएगी जी। बाकी अभी जो धुंधलापन है ना वो अभी, हाँ वो अभी चश्मा लगा के देखिए जरा, पहले से, पहले से चश्मे से भी कुछ धुंधला था, कुछ हल्का फुल्का चश्मे के बाद कुछ फर्क नजर आया। नजदीक का तो काम कर रहा है, नजदीक का काम कर रहा है, नजदीक का तो पता है, दूर में थोड़ी दिक्कत है, दूर में भी काम नहीं कर रहा है। देखते हैं बाकी कितने लोगों को फर्क पड़ेगा, अपना प्रयास है। मतलब दिखने में आपको अभी कोई ज्यादा असर नहीं हुआ, ज्यादा असर नहीं हुआ तो वही है, लेकिन आंखें जैसे मेरी यूं घुटी रहती थी वो अब ये पूरी खुल गई आंखें। अच्छा, आंखें खुलने में अब दिक्कत नहीं आ रही, आंखें पूरी खुल रही है, कल आंखें पूरी खुल नहीं रही। आप लोगों से यही विनती करते हैं कि परम पिता परमेश्वर आशीर्वाद बनाए और ये भी नेत्र रोग नाशक भी लोगों के रोगों को नष्ट करे जी, भोलेनाथ की कृपा हो जी, कामयाब हो, मैं तो कहता हूँ सबकी दृष्टि भी आए, भोलेनाथ की बहुत बहुत कृपा हो जी। वंदे मातरम।